हेलो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक टेक्स्ट को हमने रैप करना है अराउंड इमेज ठीक है तो किस तरीके से बूट रैप में हम टेक्स्ट के अराउंड एक इमेज को रैप करेंगे तो वो चीज सीखेंगे हम आज ठीक है तो कई बार आप ये आपको ये स्नारियो आ सकता है कि मतलब कि यार हमें एक इमेज दे रखी है हमें टेक्स्ट भी रैप करना है अगर हम कोई रिस्पॉन्सिव भी करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो ये सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो रैप होके अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आता रहे ठीक है छोटे स्क्रीनस पे फिर ऐसे 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 करके ऐसे आता रहे अब छोटी स्क्रीनस पे अगर आपको एक ही वेट थोड़ा हाइट में और इमेज को अलग करना है तो आप वो भी कर सकते हो ठीक है तो ये एक किस तरीके से हमने करना है वो आज हम सीखेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो को बहुत इजी है कोई मुश्किल नहीं है ठीक है आपने क्या करना है कंटेनर लिया एक रो ली ठीक है उसके अंदर आपने क्या करना है एक डिव के अंदर मेरे पास दो डिव है दूसरे डिव में मैंने क्या रखा टेक्स्ट ऐड किया था तो मैं उस टेक्स्ट को क्या करता हूँ कॉमेंट कर देता हूँ ठीक है तो ये वाला टी आया गया तो जिसको मेरे को नहीं चाहिए मैंने डिलीट कर दिया इसको मैंने खाली रखना है अभी ठीक है बाद में आपको अगर आप दो कॉलम करना चाहिए दो कर लो मैंने यहाँ पे ट्वेल्व सेवन uh, कर रखा तो आप ट्वेल्व कर लो डायरेक्टली ठीक है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्वेल्व कर लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा ठीक है नहीं तो आपको एक कॉलम में ऐसे करना है तो आपकी मर्जी है आपको जैसा सूटेबल करता है वैसा कर लीजिए ठीक है इसमें एल जी एल जी फाइव है तो ये नेक्स्ट स्क्रीन नेक्स्ट लेआउट में आ जाएगा क्योंकि पहले से हमने ट्वेल्व दे दिया है ठीक है तो ये ये वाली जितने जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा क्योंकि ट्वेल्व एक बार ऑक्यूपाई हो चुका है ठीक है तो उसमें हमने क्या किया एक है एक डिव ली है ठीक है डिव के अंदर हमने इमेज रख ली है ठीक है उसको क्लास देनी है फ्लोट एंड इमेज शेडो ठीक है ये बूट स्ट्राइप की क्लास है फ्लोट एंड इमेज शेडो ठीक है वो क्या करेगा कि आपकी इमेज को एंड में पहुंचा देगा ठीक है और जो आपका पैराग्राफ है ये हमेशा क्या रह जाएगा आपके लेफ्ट में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा राइट right में एंड में चला जाएगा जो भी उसकी ऑक्युपेंसी होगी ठीक है और ये पैराग्राफ आपका शो हो जाएगा तो ये क्या हो गया आपका डिव में रैप हो गया पीटी अब सोच रहे होंगे कि पी फोर हमने क्यों लगाया पीटी पी एल क्या है तो ये बेसिकली क्या होता है पैडिंग टॉप होती है कि टॉप से पैडिंग आपको चार देनी है पांच देनी है या अगर मैं यहाँ पे चौदह पिक्सल की लिख देता हूँ फोर्टीन लिख देता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी मेरा करंटली ये है अगर मैं रिलोड करूंगा ठीक है तो पैडिंग ज्यादा होगी इसके अंदर ठीक है तो ये पैडिंग्स है पैडिंग फ्रॉम टॉप है पैडिंग फ्राम लाइट है मार्जिन भी कर सकते हो एम कर सकते हो मार्जिन के लिए तो वो पॉइंट्स का जो ट्यूटोरियल है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको ठीक है कितने पॉइंट्स मार्जिन आपको देना है कितना नहीं देना है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग है आपका ठीक है तो ये चीज़ होगी आपके पास तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं अराउंड इमेज लाइक दिस ओके सो आई थिंक ये बहुत ही ईजी है आपने इमेज लगाई और इमेज में एक क्लास ऐड करती दिया पैराग्राफ इमेज को हमने रा, आ, राइट साइड भेज दिया इसको लेफ्ट साइड रख लिया और डेफ को क्या कर दिया क्लोज कर दिया रो और कंटेनर वैसे का वैसे ही है ठीक है इस तरीके से क्या कर सकते हो आप रैप कर सकते हो किसी भी इमेज को अराउंड द टेक्स्ट ठीक है तो आई होप आपको कभी भी सिचुएशन ऐसी आए तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट ठीक है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट पक्का कीजिएगा थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे